आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को उत्तराखंड के काशीपुर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य के लिए अपनी चौथी बड़ी घोषणा गारंटी के तौर पर की। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं यहां चौथी बार आया हूं और चौथी गारंटी दूंगा, क्योंकि गारंटी देने का काम ना तो पिछली सरकारों ने किया और ना अपने वादे निभाए। उत्तराखंड में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो लोगों को मुफ्त बिजली दिए जाने, युवाओं को रोजगार देने और मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाने की पिछली घोषणाओं के बाद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए अहम घोषणा करते हुए कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे। उत्तराखंड के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार सबको। मैं देख रहा हूँ कि आज जन सैलाब इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी तादाद में आप सब लोग आए हुए हैं, इतनी दूर दूर से आप लोग आए, समय निकाल के आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जनरल बिपिन रावत, जो उत्तराखंड के नहीं पूरे देश के सपूत थे, वीर सिपाही थे, भारत माता के लाल थे, वो हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से हम सबको छोड़ के चले गए। 13 सैनिक शहीद हो गए, इसका हम सब लोगों को बेहद अफसोस है। हम पूरे दिल से जनरल बिपिन रावत को, उनकी धर्मपत्नी को और उन सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पिछले 1 साल से देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा था, अभी तक किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे। शायद दुनिया के इतिहास में इतना लंबा आंदोलन आज तक कभी नहीं हुआ। 1 साल से ठंड में, गर्मी में, बरसात में हमारे किसान वहां पे बॉर्डर के ऊपर डटे हुए थे कि या तो मर के जाएंगे या जीत के जाएंगे, और अंत में हमारे किसानों की जीत हो। एक बार जोरदार तालियां बजा दो अपने किसान भाइयों के लिए। और इस पूरे आंदोलन के अंदर उत्तराखंड के किसानों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप सब किसान भाइयों को मैं सलाम करता हूं, और उन 700 किसानों को जो शहीद हो गए इस आंदोलन में, उन सब लोगों को मैं बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, आज मैं दिल से आप लोगों से बात करने के लिए आया हूं, अपने दिल की बात रखने के लिए आया हूं। मैं नेता नहीं हूं, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, और ये जो अजय कोटियाल है ये भी नेता नहीं है, इसको भी राजनीति करनी नहीं आती, हमको काम करना आता है बस। दिल्ली में भी काम करा था, खूब काम करा दिल्ली में, मैंने दिल्ली में काम करके दिखाया, कर्नल कोटियाल ने उत्तराखंड में केदारनाथ का पुनर्निर्माण करके दिखाया। जब केदारनाथ पूरा ध्वस्त हो गया था, उस वक्त लोग सोच रहे थे केदारनाथ दोबारा कैसे बनेगा, दोबारा कैसे बनेगा, इस एक आदमी ने अपनी पूरी फौज इकट्ठी की, लड़कों की, और इसने पूरा केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया था। हमें काम करना आता है। इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने नेतागिरी कर करके, राजनीति कर करके 20 साल में उत्तराखंड का बेड़ा गर्क कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? आज यहां इतने सारे, मैं देख रहा हूं, बच्चे आए हुए हैं, युवा आए हुए हैं, यूथ आया हुआ है, इतने सारे बच्चे मैं देख रहा हूं। आप में से जो जो बेरोजगार हैं जरा हाथ खड़े करो, जो जो बेरोजगार हैं वो बस, ये बीजेपी वाले ने नौकरी नहीं दी अभी तक, कांग्रेस वाले ने नौकरी नहीं दी,
10 साल बीजेपी रही, 10 साल कांग्रेस रही, ये कह रहे दोबारा एक मौका और दे दो, दोगे दोबारा इन लोगों को मौका? आज इस मंच से मैं कह के जा रहा हूं, आपको बीजेपी वालों ने भी नौकरी नहीं दी, कांग्रेस वालों ने भी नौकरी नहीं दी, मैं नौकरी दूंगा आप लोगों को। और केजरीवाल जो कहता है करता है, झूठ नहीं बोलता। मैं सारी घर में कैलकुलेशन करके आता हूं, मैं दूंगा नौकरी, आप पूछोगे कैसे देगा नौकरी, है ना भाई, कैसे देगा नौकरी? दिल्ली में 10 लाख बच्चों को नौकरी दी है, दिल्ली में 10 लाख बच्चों को नौकरी दी है, नौकरी देनी आती है मेरे को, दिल्ली में दिया तो आपको भी दे सकता हूं, दे सकता हूं कि नहीं दे सकता? लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है भाई, 10 मार्च को नतीजे आए, 11 मार्च को सारे जने कहो अभी नौकरी दे, एक दिन में तो नौकरी मिलेगी नहीं, है कि नहीं है? थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसका भी इंतजाम किया मैंने। जब तक अपने बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, तब तक हर बेरोजगार बच्चे को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, सही है? सही है कि नहीं है? अब मैं देख रहा हूं इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं यहां पे, पहली बार, बहन जी, माता जी, बेटियों, सबको मेरा नमस्कार। पहली बार मैंने देखा किसी रैली में इतनी महिलाएं हैं, इधर आगे भी बैठी हैं, पीछे भी बहुत बैठी हैं। हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर बेटी को, हर बहन को, हर माँ को हर महीने 1,000-1,000 रुपए उनके अकाउंट में जमा कराए जाएंगे। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।